नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी। आज हम बात करेंगे उस विधानसभा सीट के बारे में जहां ज्यादातर कांग्रेस को जीत मिलती है। आज हम बात करेंगे तारानगर विधानसभा सीट के बारे में। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे। एक तरफ जहाँ बीजेपी मिशन राजस्थान को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार रिपीट को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। तारानगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने यहां से एक बार फिर नरेंद्र गुढ़ानिया को मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी ने राकेश जांगिर का टिकट काटकर राजेंद्र सिंह राठौड़ को मौका दिया। अब तारानगर के 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस के नरेंद्र गुढ़ानिया ने 12,555 मतों के भारी अंतर से बीजेपी के राकेश जांगिर को हराकर जीत हासिल की। 2018 के चुनाव में राकेश जांगिर को 44,413 वोट मिले, तो वहीं नरेंद्र गुढ़ानिया ने 56,968 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। तारानगर सीट पर नरेंद्र गुढ़ानिया मौजूदा विधायक हैं और इस सीट से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वर्ष 2008 में विधायक रह चुके हैं। तारानगर विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें, तो यह सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी और यहाँ पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। तारानगर विधानसभा सीट का इतिहास केवल 46 साल पुराना है। यहाँ अब तक हुए 10 विधानसभा चुनाव में से 6 बार कांग्रेस, 2-2 बार भाजपा और जनता पार्टी ने जीत हासिल की। तारानगर विधानसभा सीट काफी अहम मानी जाती है। इस बार यहाँ से जीत किसको मिलेगी, ये तो यहाँ की जनता ही तय। अब बात करें तारानगर विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की, तो यहाँ 3,19,000 के आसपास मतदाता है। तारानगर विधानसभा सीट पर जाट समाज का दबदबा है और यहाँ अन्य जातियां भी प्रभाव रही। अब बात करते हैं यहाँ के 2023 के चुनाव के उम्मीदवारों के बारे में। कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र गुढ़ानिया की अगर बात करें, तो वे कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और वर्तमान में तारानगर में विधायक हैं और उन्होंने राजनीति की शुरुआत सरपंच से की। 1985, 1996, 1998 वे चूरू से सांसद बने और उन्होंने 1993 में सरदार शहर से विधायक का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। आपको बता दें कि वे 2009 से 2018 तक राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। अब बात करते हैं बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह राठौड़ की, तो उन्होंने राजनीति की शुरुआत सरपंच से की। उन्होंने पहला चुनाव 1990 में जीता। आपको बता दें कि वे कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं और वे 7 बार विधायक रहे हैं। तारानगर विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण सीट है। इस बार तारानगर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता ही तय करे। अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक और विधानसभा के राजनीतिक समीकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।